नमस्कार दोस्तों, पूनम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी, मसाला भिंडी हम बनाएंगे। इसके लिए हमने ये भिंडियाँ ली हैं, ये सॉफ्ट सॉफ्ट छोटी छोटी भिंडी हैं। तो देखिए, इन भिंडियों को हमने धो के अच्छे से सुखा लिया है। अब क्या करना है, अब इनको हमें कट करना है। तो इस तरह इनको कट करना है हमें। इसके ये दो टुकड़े हमने कर दिए और इसको बीच में से इस तरह कट कर लेना है। सारी भिंडियाँ हम इसी तरह कट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो देखिए, हमने सारी भिंडियाँ कट कर ली हैं। अब हम लेंगे ये चार हमने हरी मिर्च ली हैं और इनको भी कट कर लेते हैं। इनको भी हम इसी तरह लंबा लंबा कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने भिंडियाँ कट कर ली हैं और अब हमने लिए दो प्याज। इसको हमने इस तरह लंबा लंबा कट कर लिया है, इसी तरह आपको कट कर लेने हैं। अब बताते हैं क्या करना है। तो देखिए क्या करना है, ये हमने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें हमने जो भिंडी कट करके रखी थी उनको डाल देते हैं। और इनको उलट पलट करके इनको फ्राई कर देते हैं। इस तरह इनको चलाते रहना जिससे कि ये जले ना। इनको कम से कम 2-3 मिनट तक हमें चलाना है इसी तरह। कम से कम 2-3 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए इनको फ्राई कर लेना है हमको। तो देखिए, ये हमने इस तरह भिंडियाँ चलाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट तक इनको रोस्ट कर लिया है। इससे क्या होता है कि इनके अंदर जो लस्सी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। अब इसके अंदर एक भी भिंडी में बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं रहा है। तो इस तरह फ्राई करके बनाएंगे, भिंडी बहुत टेस्टी बनती है। जो नहीं खाते हैं वो भी खा लेंगे। देखिए इस तरह हमने इसको चलाते हुए रोस्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इस कढ़ाई में हम 2-3 चम्मच ऑयल और डाल देते हैं। तो देखिए, हमने ये कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल गरम कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे ये 1/2 चम्मच जीरा। इसको हम चटकने देते हैं। अब ये डालेंगे 1/2 चम्मच राई। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग। अब हम इसमें ये जो हमने प्याज कट करके रखा है इसको डाल देते हैं। इसको भून लेते हैं। इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। बस इतना भूनना है, थोड़ा प्याज में थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। तो देखिए, प्याज हमने भून ली है, हमें बस इतना भुना प्याज चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो इसके लिए हमने ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। मिर्च हमने पहले भी हरी मिर्च डाल दी है तो इसकी वजह से हम थोड़ा मिर्च कम डालेंगे।
अगर आप ज़्यादा खाते हो तो थोड़ी ज़्यादा डालें। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, इस तरह मिक्स कर देना जिससे कि ये मसाले जले ना। गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। सभी मसाले हमने मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें ये जो हमने भिंडी रोस्ट करके रखी थी इनको डाल देते हैं। इनको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। देखिए हमने सभी मसाले और नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है भिंडी में। अब हम इसको बंद करके 2 मिनट के लिए हमें इसे 2-3 मिनट के लिए पकने देना है जिससे कि भिंडी सॉफ्ट हो जाए। भिंडी मिक्स हो चुकी है। अब हम इनको बंद कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने भिंडी को 3 मिनट तक लगभग ढककर पका लिया है। ये हमारी भिंडी बनकर तैयार है, बिल्कुल भी लसी नहीं आई है। आप इस तरह बनाएंगे तो आपकी इसी तरह चटपटी भिंडी बनकर तैयार होंगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक करें, 1 लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स।